बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, आदाब, न्यूज इंडिया तक देख रहे हैं आप। मेरा नाम फहीम खान है। देखिए, इस वक्त हम सिवान गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में मौजूद हैं और यहाँ के जो छात्र हैं उन लोगों के अंदर नाराज़गी देखने को मिल रही है और प्रिंसिपल के जो ऊपर कई गंभीर आरोप इन लोगों ने लगाया है, जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि क्या 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 कुछ मामला है, क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है? हम लोग किसी भी चीज़ का मांग करने, हम लोग जब प्रचार महोदय के पास जाते हैं तो हम लोग को पागल कहा जाता है, हम लोग को भगा दिया जाता है, हम लोग को ये बोला जाता है कि आप भागिए यहाँ से, आप जिसको जानते हैं। हम लोग को भगाते हैं ये लोग। कारण इनका ये है कि इनके पास कोई भी लड़का किसी भी चीज़ का जवाब लेके अगर जाता है तो उसे ये पागल साबित करते हैं। उसके गार्जियन को बुला के 50-50 मिनट तक उसे मेंटली हरासमेंट का पागल किया जाता है, उसको मेंटली पागल करने का प्रयास करते हैं। उसके बाप से भी बदतमीजी से बात करते हैं। ये इनका 50 मिनट का रिकॉर्डिंग है। ये खुद मेंटली सही नहीं है और दूसरे को बोलते हैं कि तुम पागल हो। महिला छात्रावास में पूरे हिंदुस्तान में, आप भी जानते होंगे, पूरे हिंदुस्तान के महिला छात्रावास में कुक होगी, खाना बनाने वाली होगी, झाड़ू पोछा करने वाली होगी, सफाई कर्मचारी होगी, वो सब महिला होगी। लेकिन यहाँ पर खाना बनाने वाला पुरुष है। इसमें मर्दों का आवागमन हरदम रहता है। आप महिला छात्रावास का अभी आप व्यू लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या क्या चल रहा है। ये सब देखिए, अंदर में एकेडमी में अगर आप जा रहे हैं, आर कुछ भी हुआ, प्रिंसिपल आपको पागल साबित करने के लिए खड़ा है। किसी भी प्रकार का इवेंट, किसी भी प्रकार का प्रोग्राम के लिए अगर आप इससे मांगने के लिए जाइएगा तो ये आपको सीधे पागल बोलेंगे, गार्जियन का धमकी देंगे, बोलेंगे कि तुम गलत हो, तुमको FIR करवाएंगे, थाना का धमकी देते हैं। हालांकि इनके ऊपर खुद केस चल रहा है, इनके ऊपर खुद केस चल रहा है। निकू आज कुछ चीज़ का मांग करने गया। ये देखिए, इनके बारे में शिकायत हम लोग विभाग में किए हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री के पास किए हैं, CMO ऑफिस, चीफ मिनिस्टर ऑफिस के पास किए हैं, सचिव के पास किए हैं, डायरेक्टर के पास किए हैं। इतने बच्चों का सिग्नेचर, कम से कम 250-250 बच्चों का सिग्नेचर हम लोग के पास है। लेकिन हर एक जगह ये चीज़ मैनेज हो जाता है। देखिए, सेक्रेटरी आए थे तो कोई भी गार्जियन परवा, कोई भी गेस्ट अगर आता है तो उसको बाइज्जत बढ़ाना चाहिए, बैठाना चाहिए, उठाना चाहिए। ये गेस्ट को आए, पीछे दरवाजा से गेस्ट को भगा दिए। कारण यह था भगाने का कि विद्यार्थी अपनी समस्या को साझा ना कर सके। और क्या दिक्कतें आ रही हैं? आपने बताया कि छपरा जो इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ मैच वगैरह हो रहा है, वहाँ जाने की क्या समस्या है? छपरा इंजीनियरिंग कॉलेज में मान लीजिए मैच हो रहा है तो हम लोग के यहाँ से इधर से बस तो चली गई, उधर से जब बस आने का बात हुआ तो विद्यार्थी सब अपने पैसे से कलेक्शन करके बस से आए हैं। ये बात सही है? आप लोग खुद के पैसे से आए हैं? बताइए। अच्छा, ये बताइए, ये क्या दिक्कतें आ रही हैं? इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल पे आप लोगों ने आरोप लगाने का काम किया है, ये बताइए कि क्या दिक्कतें हैं? देखिए, इनको बात करने का तरीका भी नहीं है और ना ही अच्छे से बात करते हैं और ना बात को समझते हैं। अगर आप जाते हैं कोई समस्या लेकर तो ये पहले तो कहेंगे कि हाँ आओ मेरे पास, आओ हम बात करेंगे, लेकिन जब हम बात करने जाते हैं तो ये धमकी देते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं और वहाँ से भगा देते हैं। जैसा कि अगर आपको लगता है तो अभी शाम के 4 बजे का फुटेज निकलवा सकते हैं यहीं पे CCTV के सामने। हम आए सिर्फ बात रखने के लिए, हम अभी सिर्फ बोलना शुरू किए कि सर छपरा हम लोग गए थे, आए हैं, वो हम लोग अपने पैसे से आए हैं, बस इतना बोले ही कि वो मेरे पे भड़क गए, मेरे को धक्का मार के भगाने लगे। गार्ड को बुलाया, कहे कि इसको भगाओ यहाँ से, निकालो यहाँ से। वहाँ पे दो मतलब 25-30 बच्चे थे कि नहीं, सब आप यहाँ पे ले सकते हैं। किसी तरह के सवाल को लेकर के आप लोग जाते हैं प्रिंसिपल के पास तो क्या गार्ड के जरिए आप लोगों को हटाने की कोशिश? यस, इसमें पूरा कोशिश किया जाता है। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ का सिस्टम कितना अच्छा है। अगर हम लोग कोई काम करने जाते हैं तो कहते हैं लिखित करो। आप देख सकते हैं हॉस्टल भी बढ़ा दिया गया, उसका नोटिस हम लोग से छुपाया गया क्योंकि हॉस्टल में यहाँ कोई सुविधा नहीं है, ना अलमारी है, ना लिफ्ट सही है, ना पानी का व्यवस्था है, ना साफ सफाई, एक सेकंड, ना साफ सफाई सही है, ना नल, यानी कि इसका बेसिक संरक्षण जो है, बेसिक स्ट्रक्चर भी बर्बाद है पूरा तरह से यहाँ पे। जब उसके लिए हम लोग बोलने जाते हैं तो हम लोग को मेंटली टॉर्चर किया जाता है, भगाया जाता है। ये देखिए, हॉस्टल भी बढ़ाया गया, अमित कुमार का साइन किया हुआ है, 19 सितंबर 2023, 3 महीना हो गया, आज तक कोई जवाब नहीं आया। कहते हैं कि लिखित लेके आओ, यही है लिखित का नतीजा।
हॉस्टल फी बढ़ा दिया गया, आपको लगता है कि हम यहाँ देखिए 150-200 बच्चे साइन किए इसी के लिए, जवाब मांगने के लिए कि आखिर हॉस्टल फी क्यों बढ़ाया गया, सुविधा जब कुछ नहीं है तो हॉस्टल फी बढ़ाया क्यों गया। ये नोटिस है 27 जुलाई का, जो कि नोटिस बोर्ड पर होना चाहिए था लेकिन इसको छुपाया गया। उसके बाद इसी सब इशू के लिए जब हम लोग बोलते हैं तो हम लोग को गार्जियन को बुलाकर टॉर्चर किया जाता है। अभी मेरे घर फोन करके धमकी दिए हैं कि आपके बच्चे का करियर बर्बाद कर देंगे, आपको पूरा इसको जो है हम सेमेस्टर बैक लगा देंगे। उसके अलावा ऑलरेडी 2 बार हम लोग DST को नोटिस ये अप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन DST भी कहीं ना कहीं मिली हुई है। DST के जो सेक्रेटरी हैं उनको उडियन मिश्रा, DST के जो डायरेक्टर है लोकेश कुमार सिंह, DST के जो मंत्री हैं सुमित कुमार सिंह, ये देखिए उन सब लोग को हम लोग स्पीड पोस्ट कर चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन आज तक कोई रिप्लाई नहीं। कल आए थे DST के सेक्रेटरी ये गजेंद्र कुमार मिश्रा, वो भी हम लोग से बिना मिले चले गए, स्टेज पे वो बोल रहे थे कि हम आप लोग से मिलेंगे, आप लोग की समस्या सुनेंगे, लेकिन वो बिना मिले चले गए। और वही जब आज हम बात करने आए तो हमको धक्का मार के निकाल दिया गया, यहाँ से भगाया गया है, गार्ड से भगाया गया है, बात नहीं सुना गया है। हम लोग का सीधा मांग है या तो इस्तीफा दे नहीं तो ये माफ़ीनामा दे, माफ़ी मांगे सब बच्चों के सामने कि आज के बाद से ये सब नहीं करेंगे। इनका इनके पास किसी भी समस्या को जब हम लोग लेके जाएंगे तो सीधे ये प्रशासन का धमकी देते हैं, सीधे बोलते हैं कि हम प्रशासन को बुला रहे हैं, हम थाना को बुला रहे हैं, हम अरेस्ट करवा रहे हैं। क्या मेरे कॉलेज में मेरे भाइयों के अलग हो जाएंगे, अरेस्ट हो जाएंगे, हम हमको अरेस्ट करवा लीजिएगा। सिवान इंजीनियरिंग कॉलेज में अभी मौजूद हैं, यानी कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में, और जो छात्र हैं वो काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं यहाँ के प्रिंसिपल से, और कई गंभीर आरोप इन लोगों ने लगाया है। इन्होंने कहा है कि जब प्रिंसिपल साहब लिखित मांगते हैं, हम लोग लिखित आवेदन के जरिए जब उनके पास जाते हैं, पत्र में लिख करके ले जाते हैं अपनी समस्याओं को, तो फिर यहाँ के गार्ड जो हैं, यहाँ के जो गार्ड है उन्हें बुलाया जाता है और उनके ज़रिए ये कहा जाता है कि इन्हें, प्रिंसिपल कहते हैं कि इन्हें निकालो बाहर, इस तरह की बात इन लोगों ने आरोप लगाया है। हालांकि देखिए क्या कुछ सच्चाई है, प्रिंसिपल से भी बात करने की कोशिश करेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ।